कसरावत कृषि उपज मंडी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कसरावत कृषि उपज मंडी में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। गुरुवार को मंडी प्रांगण कसरावत में मंडी बोर्ड स्थापना का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय भवन को रोशनी से सजाया गया और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, हमाल, तुलावटी, किसान संघ पदाधिकारी, व्यापारी एवं मंडी में कार्यरत कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुभागी अधिकारी अग्रिम कुमार एवं पूर्व मंडी अध्यक्ष मांगीलाल गाड़गे एवं सांसद प्रतिनिधि ताराचंद यादव द्वारा भगवान बलराम की पूजा कर किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए अनुभाग अधिकारी अग्रिम कुमार ने मंडी के मुख्य कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का पुष्प हार पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के पश्चात पधारे अतिथियों का अनुविभागीय अधिकारी कुमार एवं मंडी अध्यक्ष मांगीलाल, पत्रकार गण एवं व्यापारी माता दीन गर्ग के द्वारा मंडी प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। विस्तार से बताया महेश भाई ने, विस्तार से बताया, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि आजादी के बाद किसान खेती तो करते थे, निश्चित तौर पर उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपनी फसल का सही दाम उस समय नहीं मिलता था। मंडियां 1961 में थी, लेकिन उस समय भी मंडी बोर्ड का गठन नहीं होना, मंडी की व्यवस्थित स्थापना नहीं होना, 61 से लगाकर 72-73 तक फिर किसानों की वही स्थिति रही। किसान अपना माल लेकर बाहर जरूर जाए, लेकिन पता चलता था कि जिसने माल लिया कोई पैसे दे या ढो दे, ये स्थितियां थी। मंडी की स्थापना के बाद व्यवस्था लागू की कि किसान की आय बढ़े, इसलिए मंडी की निगरानी के लिए मंडी के सदस्य मंडी स्थापना के बाद तय किए गए। अब उस समय की स्थितियां सदस्य बनने की बहुत अलग थी। आपने देखा होगा बीच में मंडी के चुनाव भी हुए थे, शायद गुलाब भाई के बाद ही चुनाव होना चालू हुआ, तुकाराम भाई ने रहे थे, तुकाराम भाई के बाद चुनाव चालू हुए थे, और निश्चित तौर पर चिंता इस मंडी के अध्यक्ष बनाना या मंडी के सदस्य बनाना, सिर्फ चिंता अध्यक्ष और सदस्य बनाने की नहीं थी, चिंता इसलिए की गई कि यहां पर व्यापारियों को भी सहूलियत हो और किसानों के साथ किसी प्रकार का सोतेला व्यवहार न हो, इसलिए शासन ने मंडियों की स्थापना के बाद मंडियों के नियंत्रण के लिए समितियों का गठन किया। और आप सब ने देखा है वो दौर, मैं 90 के बाद की बात बताऊंगा, हम इसी कसरावत की बात करेंगे। एक दौर चला था 90 से 2005 के बीच में, शासन की इतनी बेहतर मंशा होने के बाद भी अड़क प्रथा हम सबने देखी है, देखिए कि नहीं देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।